खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। फिर आया सस्ता सोना खरीदने का मौका। कितना बढ़ गया यूपीआई से लेन देन, और क्यों कहा जा रहा है कि अभी बढ़ सकती हैं एफडी की दरें, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 की दूसरी सीरीज आज यानी 11 सितंबर से खुल रही है। इसमें 15 सितंबर तक निवेश किया जा सकता है। इस बार के लिए सोने की कीमत 5,923 रुपए प्रति एक ग्राम तय की गई है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने पर 50 रुपए की छूट मिलती है, यानी आपको ये 5,873 रुपए प्रति ग्राम पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक अक्टूबर तक अंतर बैंक उधारी या कॉल मनी मार्केट में लेन देन के लिए प्रायोगिक तौर पर डिजिटल रुपए की शुरुआत कर सकता है। अभी तक इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान तक सीमित था। महामारी के बाद डिजिटल लेन देन में वृद्धि के कारण डेबिट कार्ड से भुगतान सुस्त हो रहा है, और पैसे का लेन देन का सबसे लोकप्रिय तरीका यूपीआई बना है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2020 में डेबिट कार्ड के जरिए 2.81 ट्रिलियन रुपए खर्च किए गए, जबकि जुलाई 2023 में ये 3.15 ट्रिलियन रुपए रहा। ये महज 11.96% की बढ़ोतरी है। वहीं इसी अवधि के दौरान यूपीआई के जरिए होने वाले खर्च में 428% का इजाफा देखा गया। 2.90 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर ये 2023 जुलाई में 15.33 ट्रिलियन रुपए हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 लाख और महिलाओं को लाडली बहना योजना में शामिल किया है। 6 लाख और महिलाओं के जुड़ने के साथ इस योजना में अब लाभार्थियों की संख्या 1,25,00,000 से बढ़कर 1,31,00,000 हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को इस साल जून से हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2023 के अंत तक 624 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, और इसका ऋण सेवा अनुपात 5.3% रहा। वित्त मंत्री ने कहा, यह संतोषजनक स्तर है और देश के लिहाज से ये मामूली है। इस महीने की शुरुआत में जारी भारत का विदेशी ऋण एक स्थिति रिपोर्ट 2022-23 की प्रस्तावना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च 2023 के अंत में जीडीपी में विदेशी ऋण का अनुपात एक साल पहले के 20% से घटकर 18.9% रह गया है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान बैंक ऋण में वृद्धि ने जमा में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। इसे देखते हुए बैंक जमा दरें और बढ़ने की संभावना है। बता दें, अप्रैल अगस्त 2023 में बैंकों की एफडी की डिपॉजिट रेट औसतन 27 बेसिस पॉइंट तक बढ़ गई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल अगस्त 2023 में बैंक जमा 6.6% बढ़कर 149.2 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं इसी अवधि में बैंक ऋण 9.1% बढ़कर 124.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय होना इसकी एक बड़ी वजह है, जिससे क्रेडिट डिपॉजिट अंतर बढ़ गया, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जमा राशि उसके ऋणों से कम थी। G20 के दौरान नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति जताने के बाद क्रिप्टो एसेट के रेगुलेशन को लेकर चर्चा बढ़ गई है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने संकेत दिया है कि क्रिप्टो एसेट पर IMF और FSB की तरफ से सिंथेसिस नोट का नई दिल्ली घोषणा पत्र में स्वागत किया गया है, और इसके बाद ऐसी उम्मीद है कि भारत क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशन पर व्यापक परामर्श और चर्चा कर सकता है। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9, और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।